ठंडा है यार, पर कोई नहीं, शुरू करते हैं। तो आज हमें लड़की ताड़ना सिखाएंगे ये रैंडम चाचा। अरे ये कौन आ गया बीच में डायरेक्शन पूछने? हाँ हाँ, यहाँ से सीधा जाओ, सीधा जाके पड़ेगा वो पीछे नहीं, तुम्हारे बाएं में पड़ेगा। वो क्या है, लग रहा है सामने से मामूनी जा रही है, थोड़ा पूछ तो बना लूं। तो ऐसे ताते हैं मामूनी, सीख लो चाचा से। अरे यार, ये कोविड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कब खत्म होगा ये? खत्म हो भी गया तो क्या उखाड़ लोगे, तुम्हारा काम यही है घर में रहना, एडिट करना, काम करना। हाँ एक तरफ से वो भी सही है। तो काम करो, व्लॉग बनाओ, बना बना व्लॉग बनाओ। पर वही तो मुश्किल है ना, कैसे व्लॉग बनाए, घर में क्या दिखाए, मतलब कहीं बाहर जाए, घूमने जाए, तब ना लोगों को कुछ दिखा सकते हैं, ऐसे घर में कितना दिन यार। बेटा जी यही तो है क्रिएटिविटी का सवाल, अगर तुम में क्रिएटिविटी है तो तुम घर के बोरिंग चीजों को भी क्रिएटिव करके दिखा सकते हो। जी हाँ, ये भी बात सही है, चलो करते हैं कोशिश। वो मैंने कहीं सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कैसा लगा? ठीक ही है, आगे बढ़ चल। वैसे लाइट काफी सेक्सी आ रहा है, नहीं? कितना अश्लील है ये लौंडा। तो इंडिया मैच कल भी हार गया और ये बहुत सरप्राइजिंग है, टेस्ट सीरीज भी हार गया, वनडे सीरीज भी हार गया। नाक कटा के आ गए हमारा। हमें तो लगा था कि हमें अब ऐसी आदत हो चुकी है कि हम सेना कंट्रीज में जाएंगे और सीरीज पे सीरीज जीत जाएंगे, पर इस साउथ अफ्रीका की टीम से हार जाना थोड़ा वो है, क्योंकि ये इनएक्सपीरियंस्ड है, इनके पास एबी डेविलियर्स नहीं है, फाफ डुप्लेसी नहीं है, ये सब लोग रिटायर कर चुके हैं, तो काफ़ी यंग टीम है। पर इंडिया के पास भी रोहित शर्मा नहीं था, पर फिर भी मतलब इंडियन क्रिकेट का जो अब स्टेटस है, इतने सारे प्लेयर्स है, तो इससे तो थोड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते थे। पर ट्रांजिशन फेज है, नया कप्तान है, नया कोच है, और अभी अभी इतना सारा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुआ है, तो वो भी शायद अपनी पार्ट प्ले कर रही है इसमें, मुझे लगता ही है ऐसा। जानी अच्छा सुन, अब जाने का वक्त नजदीक आ रहा है, जाते जाते बाकी के जो शॉट्स है वो तो दिखाता चल। Thank you.
अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें। तो मुलाकात होगी कल, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत।